राम राम ताई, राम राम ताई। आज बेटी तेरा सर पुचकार किसकी सा है? सुरेश की। सुरेश की माड़ी तो गणी है हरी बेटी और तुम भी वितरण में हरी से क्या करिया करो तमीजा? ताई मैं तो डाइटिंग करती हूँ। ये बेटी यो काम कुछ कम करया कर नहीं तो तोड़िया सामड़ लेगी। हाँ तुम तो दनु बार पड़िया करो आज किस तरह आने हुए? ताई हम तो खेत में आंड रहे थे तो हमने सोचा ताई से भी फेट लेते हैं। वो तो अच्छा करे बेटी आंधी जानी फेटिया करो। हाँ वे क्या करया करो तुम फिर सर में? ताई मैं तो बीए कर रही हूँ। ए बीए न से ऐड कर और से ऐड कर नौकरी तो थानी ले बेटी यो मत आई खातिर चाय बना लिया। ताई मैं तो दूध पीती हूँ। क्या हुआ? बस पूछ मत यार, खेतों में हांड हांड के मेरे तो गोड़े दुखने लग गए। हाँ यार पिंडी तो मेरी भी भड़क रही है। अच्छा सुन, आज शाम को रामू के पास गोलगप्पे खाने चलेंगे। नहीं यार उसके पास मैं नहीं जाती, वो तो 10 रुपए के सिर्फ 4 गोलगप्पे देता है और ऊपर से पानी को घचोड़ता भी नहीं। और तुझे पता है पिछली बार जब मैं वहाँ पर गई ना उसने मुझे टूटे मुड्ढे पर बिठा दिया, मैं तो बैठते ही गुरड़ गई। ये इसी हिंदी तो नहीं यार, चल जाके मैं भी बोलूंगी। ओह माय गॉड तेरी पैंट पे बूंद्स। ये गोज भी पता नहीं इन बूंद्स को बनाता ही क्यों है। अरे छोड़ यार, कल से कॉलेज जाना है, ये बता कहाँ से चलेंगे? यार उस ढाणी वाले रास्ते से तो बिल्कुल नहीं चलेंगे, वहाँ पे तो इतनी आंखलियाँ हैं कड़ी टूट जाती है। और तुझे पता है वहाँ तो बस भी नहीं चलती, बूंद बूंदिए में जाना पड़ेगा। कल कॉलेज में जाते उस दिशा की शक्ल देखनी पड़ेगी। है ना यार, वो इतना मेकअप करके आती है फिर भी इतनी भूंदी, और मेकअप भी इतना करती है जैसे कांध पे कली कर रखी है। आ ताई चाय मिल आई। ए मैं चाय लेके आ रही थी और मेरा पैर फिसल गया और मैं सुधाई चाय ढाई पड़ी।